इडली और चटनी देखकर आ गया होगा मुंह में पानी। और खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, इडली चटनी किसको नहीं अच्छा लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मेरे घर में सबको अच्छा लगता है। और एकदम आसान रेसिपी है, जिस कप से मैंने एक कप दाल ली है उसी कप से मैंने 3 कप चावल लिया है। आप या तो डोसा बनाइए या इडली बनाइए, ये इसी इसका प्रमाण इतना ही रहेगा। और 2-3 पानी से इसको अच्छे से धोकर मैंने इसे से ढककर रख दिया है। 4 घंटे बाद देख लीजिए ये दाल किस तरह फूक गई है, दाल कट रही है हाथ से दबाने पे, अच्छी तरह से ये फूल चुका है। अब इसको हम पीस लेंगे इस मिक्सर को, थोड़ा थोड़ा डालकर और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बस ऐसे ही पीस लेना है। बहुत ज़्यादा इसमें कलाकारी नहीं रहती है, बस इसका प्रमाण सही रहे, माप जो हम मैंने बताया है उस तरीके से सही रहे, तो ये रेडी हो गया देखिए। और मैंने इसको पीस लिया है और आपको बताया कि कितना बारीक रहना चाहिए। और इसमें नमक डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार आप डाल दीजिए। और इसको अच्छे से मिला कर ढक देंगे कम से कम 4 से 5 घंटा। अगर आप रात को पीस कर और नमक मिलाकर इस तरीके से रख देंगे तो सुबह ये इडली बनने के लिए एकदम तैयार हो जाएगी, चाहे इडली बनाइए या डोसा बनाइए। देखिए ये पूरी तरीके से फूल चुका है आटा, इसका पूरी तरह से तैयार है, इसका खमन जो बोलते हैं वो रेडी हो चुका है। इडली का साँचा लिया है मैंने और उसमें थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ, आप अपने हिसाब से तेल भी लगा सकते हैं। और इसको अच्छे से इस तरह लगा देना है, मिला लेना है बर्तन में घी या तेल जो भी है। बहुत लोग घी तेल नहीं लगाकर कॉटन का कपड़ा भिजा कर रखते हैं ट्रे के ऊपर और उसमें इडली का ये डो उसमें डालते हैं ताकि उनका इडली इसमें चिपके नहीं। लेकिन आपका पहले से पानी का बर्तन गर्म है तो ये चिपकेगा नहीं, ये आप मेरी तरीके से बनाएंगे तो आपकी एक एक इडली छूट जाएगी, साँचे को छोड़ देगी। अब इसको ढककर मैंने रख दिया है उबलने के लिए। यहाँ पर उसी आटे से मैं डोसा बनाकर दिखा रही हूँ कि एक ही आटे से इडली और डोसा दोनों ही बनता है। देखिए तवा पर मैंने रख दिया, तवे के गर्म हो गए अच्छे से, नॉनस्टिक तवा है, आप लोहे की तवे पर भी ऐसे ही बना सकते हैं। पहले पानी छिड़कना है और पानी तुरंत जल जाए, मतलब तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, उसके बाद स्लो करके और उसके ऊपर डोसे का मिक्सर इस तरीके से फैला देंगे और फिर घी या बटर जो भी आपको डालना रहे उसके ऊपर डाल सकते हैं और इसको पकने देंगे। पकने में थोड़ा टाइम लगता है और ये जैसे जैसे तवे ये डोसा पकते जाएगा ना वैसे ही ये किनारे अपने आप छूटते जाएंगे। ये नॉनस्टिक तवे पे इसी तरह से बनता है, अगर लोहे के तवे से बनाएंगे तो वो भी आप देखेंगे किनारे से धीरे धीरे छूट रहा है, आप देखते जाएंगे और धीरे धीरे हमारा डोसा ये तैयार होते जाएगा। थोड़ा क्रंची करने के लिए इसको थोड़ा टाइम के लिए रखना पड़ता है। तो ये पूरी तरह से पक जाए मैंने इतना ही रख रही हूँ, बहुत लाल अभी नहीं कर रही हूँ। आप इसी तरीके से मसाला डोसा भी बना सकते हैं, मैसूर डोसा भी बना सकते हैं, आप जो भी डोसा बनाना चाहे, उत्तप्पा बनाना चाहे, इसी आटे से तैयार कर सकते हैं। देख लीजिए ये पूरी तरीके से हर तरफ से ये परतें तवे ने छोड़ दी है और ये रेडी है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से पलटी कर लेंगे, पूरा ये तवा अपने आप छोड़ चुका है, देख लीजिए ये हमारा डोसा रेडी है। एक ही आटे से मैंने आपको डोसा भी बनाकर दिखाया है और हमारे इडली भी बन रही है, बस प्रमाण सही होना चाहिए। आप इसी तरह से रवे का भी डोसा बना सकते हैं, आप किसी भी चावल का भी बना सकते हैं, आसान है एकदम ये रेसिपी। देखिए ये दूसरा डोसा बना रही हूँ मैं, 2 डोसा बनेगा तब तक मेरी इडली उबल के तैयार हो जाएगी। देख लीजिए ये भी इसमें घी या तेल जो भी आपको डालना है इस तरीके से डाल देना है। ये एकदम सिंपल सारा डोसा बना रही हूँ और ये भाप छोड़ रहा है। इतने में मेरे चैनल को ज़रूर एक लाइक कीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
और इडली और डोसा बनाने का प्रमाण देखिए कितना सही बता रही हूँ मैं। बस देखिए ये उबल चुका है, मैंने चम्मच डालकर देख लिया इडली में, कहीं पे भी उसका आटा नहीं लगा है, इडली हो चुकी है। अब गैस को बंद कर देंगे इडली के। और देखिए डोसा भी चारों तरफ से छोड़ चुका है, अब इसको हम पलट लेंगे, पूरे पलट के इसको निकाल देंगे। हमारा डोसा और इडली दोनों ही रेडी हो चुका है। अब ये ट्रे निकाल कर बाहर रखती हूँ मैं, ठंडा हो जाने पे आपको एक इडली निकाल कर दिखाती हूँ। अभी थोड़ा गर्म है लेकिन मैं अभी एक इडली निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया है। थोड़ा गर्म, थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। और चटनी के लिए मैंने नारियल, गीला नारियल लिया है, गड़ी जिसको बोलते हैं, और भुना हुआ चने का दालिया लिया है, या फिर भुना हुआ चला बिना छिलके का आप इस्तेमाल कीजिए, और हरी मिर्ची, बस इतना ही लेना है, और नमक डालकर इसको पीस लेना है। आप जैसे चटनी बनाना चाहें ना वैसे चटनी भी बना सकते हैं। इसमें नमक डाला मैंने और इसको पानी डालकर थोड़ा सा पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 2-3 बार में जितना आपको पतला चाहिए चटनी उतना पतला आप पीस सकते हैं। मेरी चटनी तैयार है, मैं इसको निकालूंगी एक बर्तन में, और थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा और बराबर हो जाए। बस अब इसका तड़का तैयार किया है, तेल लिया है, सरसों का दाना लिया है और उसमें कड़ी पत्ता डाला है, और ये हमारा चटनी तैयार है। तो ऐसे ही इडली और चटनी बनाइए, खाइए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।